National Highway stop. ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम ही हो जाए मेडिकल्स में उनको भी देखना चाहिए, रोड क्यों नहीं खुल रहा है और बहुत सारी बर्फ़ पड़ रही है इस टाइम और रोड ब्लॉक है, नया रोड मार्केट का भी ब्लॉक है और कोई प्रॉब्लम हो जाए किस टाइम, कोई इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ से कैसे गाड़ियों यहाँ से निकलेंगी बाहर के लिए। हम बैंक पे गए थे और परेशानी यही बर्फ पड़ रहा है और बाजार में जो है इस वक्त कोई नहीं आ रहा है, बाहर से कोई नहीं आ रहा है लोग। अभी आप देख रहे हैं कि अभी रामबन में बर्फबारी बर्फबारी कैसी हो रही है, हेवी स्नोफॉल रामबन में भी अभी बारिश के लिए अब तो हेवी स्नोफॉल हो रहा है, तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त हमारे स्नोफॉल हो रहा है, ताकि वो मौके पे जाए किसी जगह अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी एडजस्ट करें। जहाँ तक लोगों से यही गुजारिश है कि ये कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रहा है कि वो एहतियात कर लें, इन इलाकों में बहुत कम एहतियात बहुत कम घरों से निकलें और देख लें एहतियात तरीके, क्योंकि शूटिंग स्टोन्स भी आ रहे हैं और बर्फबारी भी हेवी है, स्नो एवलांच का भी ऊपर पहाड़ी इलाकों में खतरा रहता है। गुजारिश यही लोगों से यही दरख्वास्त की जाती है कि वो एमरजेंसी सिचुएशन में ही बाहर आए, बाकी जहाँ तक कुछ डैमेज हुए हैं मकान छत गिरे हैं किसी जगह मकान गिरे हैं उनके लिए असेसमेंट हम कर रहे हैं और हमने बहुत सी जगह रेडक्रॉस मैंने तहसीलदारों को पहले ही हिदायत दी है कि वो फौरन वहाँ उनको रिहेबिलिटेट कर लें, ब्लैंकेट्स या किसी जगह रखें और पूरी तौर ताकि उनका पूरी तौर हम उनकी इमदाद भी कर रहे हैं हमारी रेडक्रॉस सोसाइटी के थ्रू। जो नासाजुगार मौसम और कंटिन्यूस रेनफॉल और बर्फबारी की वजह से जैसे आपको मालूम है कि बानिहाल में भी छः से ज़्यादा बर्फ़ है, टनल में भी मोर देन 1 फीट बर्फ जो है टनल में एक्यूमुलेट की है
और हमारे जो भी दूसरे इलाके हैं जैसे खड़ी में महू मंगित में हमने परसों कावा तक रास्ता क्लियर किया था तो दोबारा बर्फबारी हुई करीबन 1 फुट से ज़्यादा है। इसी तरह उखराल के ऊपर होकर पाकिस्तान के इलाकों में भी राजगढ़ में भी दोबारा बर्फबारी हुई। बतूल पटनी टॉप का जो एरिया रामबन में फॉल करता है इस तरह गूल के कुछ इलाके भी हैं जहाँ सख्त बर्फबारी हो रही है। इस सिलसिले में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में हमारे SDM लेवल पे वाज़े हिदायत दी गई हैं SDM और तहसीलदारों को रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को कि वो इंश्योर कर लें कि सप्लाईज जो भी एसेंशियल सप्लाईज उनको कम से कम वक्त पे रेस्टोर कर लें ताकि और जहाँ तक पानी बिजली और ये एसेंशियल सप्लाईज हेल्थ रिलेटेड है या सड़क क्लियरेंस का काम है कि कंटिन्यूस ये जो पहाड़ी इलाके हैं कंटिन्यूस बर्फबारी बारिशें हो रही है इस सिलसिले में क्लियरेंस काम में थोड़ी सी रुकावट आ रही है। तो हमारे ऑफिसर्स को भी हमने स्ट्रिक हिदायत दी गई है कि वो अपडिक अपने दफ्तरों में पहुँचे और अपने फील्ड में रिपोर्ट कर लें। ऑलरेडी हमारी मॉनिटरिंग टीम लगी है वी आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द सिचुएशन तो इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी फैसिलिटीज़ है लोगों को वो अवेलेबल रहें। हमारे लोगों से भी गुजारिश है कि वो मुतलका तहसीलदारों से पटवारी या नायब तहसीलदारों से भी रابطہ कर लेंगे जहाँ कोई हेल्पलाइन है उनके ऑलरेडी मोबाइल नंबर भी उनके पास है या हमारे सरपंच भी वहाँ हैं उनके साथ भी मिलें ताकि वो भी हमारे पास फौरन मैसेज पहुँचाए जहाँ भी किसी किस्म की मुश्किल हो उनको दूर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया चाहिए।